अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हमजा बेग और आप देख रहे हैं एनीपीडिया। आज सैटरडे मॉर्निंग है, मौसम बहुत अच्छा है, खुशगवार है और जिम से छुट्टी है। कोरोना की वजह से जिम बंद है फ्राइडे और सैटरडे को, तो हमने सोचा क्यों ना आपको रिवर जेलम की थोड़ी सी सैर कराई जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चकदौलत जेलम में, और जेलम जो सिटी है वो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, टोटल 20 किलोमीटर, और ये सफ़र हम करेंगे अपनी बाइसिकल पर। और इसके अलावा हम आपको थोड़ा सा विज़िट कराएंगे रिवर जेलम का, और देखते हैं बाकी चल के वहाँ पे आज क्या माहौल है, हमको देखने को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। एनीवेज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमने हेलमेट पहन लिया है, लग काफ़ी अजीब रहा है लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। तो जनाब हमारी साइकिल, और मज़ा आता है इसमें साइकिल चला के। इधर सूरज सर निकाल रहा है और इधर हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैंने ज़िंदगी का मज़ा ही ये है कि बंदा अपने लिए वक्त निकाले। हम लोग बस मोबाइल में घुसे रहते हैं, थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी ज़रूर निकाल लेना चाहिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है ये। और किसी महापुरुष ने क्या खूब बोला है कि साइकिल ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी मेहनत का फल उसी वक्त दे रही होती है। मतलब जूं जूं आप पैडल मार रहे हो तू तू आप आगे बढ़ रहे हो। तो साइकिलिंग एक कार्डियो भी है और बहुत मज़े की एक्सरसाइज है ये। आप एक माह तकरीबन 10-20 किलोमीटर रोज़ाना की साइकिल चलाओ तो 5-7 किलो आपका वज़न कम हो सकता है। बात कर लेते हैं हमारी साइकिल की, तो जो हजरात शौक रखते हैं और जिन्हें बाइक्स का पता है उनके लिए है स्पेशली। ये रोड बाइक है जी, कैस्पियन कंपनी है इसकी, शिमानो का गियर सेट लगा हुआ है इसमें, और 27-23 के इसके टायर हैं, मुकम्मल एलुमिनियम फ्रेम में और एलुमिनियम की इसकी ब्रेक्स वगैरह है। तो मज़े की साइकिल है। इस पर मैंने मैक्सिमम जो अभी तक सफ़र किया वो 200 किलोमीटर है, लेकिन ये आपको पूरी ज़िंदगी भी आपका साथ देगी बाइक। एनीवेज टाइम हमारे पास कम है और स्पीड हमारी आप देख सकते हैं 17-18 स्पीड मारेंगे तो टाइम पे पहुंचेंगे ना। तो हम पहुंचते हैं, बाकी बातें फिर दरिया पे चल के होंगी इंशाल्लाह। लें जी आपको ये खड्डे भी दिखाने थे, मम्मी डैडी टायर हैं मेरी साइकिल के और ये बदोश खड्डे हैं। नाजुकी मेरे टायरों की क्या गई है, सॉरी मेरी साइकिल के टायरों की। तो इन्हीं में हमें गुजारा करना पड़ता है, यहाँ पर हम डेड स्लो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तकरीबन आधा घंटा लग गया मुझे जेलम पहुंचते हुए, रास्ता ख़राब होने की वजह से। वैसे मैं 25-20 मिनट में पहुंचना था। और ये है शानदार चौक सर, जेलम का मेन चौक है ये। और अभी इधर मैं वेट कर रहा हूँ लीला साहब का कि वो आएँ, वो भी रनिंग नोच फरमा रहे हैं अपने स्कूल में, तो जब वो आते हैं इंशाल्लाह फिर हम लोग निकलते हैं। बबलू लीला साहब हैं, एडवोकेट हैं, और इन्होंने मुझे बहुत लेट कर दिया है, हर गुस्ताही माफ़। लीला साहब बबलू आपको इसलिए बोला कि आपने बहुत लेट किया, देखे गुड मॉर्निंग में से गुड तो निकल गया, अब सिर्फ मॉर्निंग रह गई है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा उधर? बहुत कुछ मिलेगा, चलो फिर वाह वाह जो चलिए। कुछ मनाजर हैं जनाब दरिया जेलम के, हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे हैं और मॉर्निंग वाला वो मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि अभी भी बहुत अच्छी और खुशगवार हवाएँ चल रही हैं। अब आगे चलते हैं, वो हमारा स्कूटर और हमारी साइकिल खड़े हैं, मज़े ले रहे हैं, और ये हम हैं। उन तक कहते भी शर्म आम दी है, ये हम हैं, ये हमारी पौड़ी और ये। और वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये जेलम का पुराना पुल है, हम लोग इधर इस जगह पे मौजूद हैं और... जी लोग पता नहीं लेट हो चुके हैं या क्या मसला है, कश्ती तो हमें मिल गई है, अब कश्ती चलाने वाला को बंदा कोई नहीं इधर। खैर फील करने में क्या हर्ज, ऐसे ही लग रहा है जैसे दरिया में बैठे हुए हैं। हम भी चस ले रहे हैं, बस आप भी चस लें, क्योंकि चस लेना लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम लोगों ने वैसे काफ़ी किया है कि कोई बंदा मिल जाए जो आपको और हमें सैर कराए कश्ती में बिठा के दरिया जेलम की, लेकिन कोई बंदा हमें मिला नहीं है।
लीला साहब इधर आए, तशरीफ़ लाए, आपसे आपके समाचार पूछते हैं, आए ना। आपको कैसा लग रहा है इधर आके? बहुत अच्छा लग रहा है जनाब इधर आके, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा मैं है, तो लीला साहब बहुत यकीन अच्छा। माने बोर हो रहा हूँ। नहीं, बोर है मैं को नहीं हो रहा, लेकिन यह है कि जो सोचा था ना वो नहीं हुआ, कि हमारी सैर हो जाती ना थोड़ी सी पानी में, तो काफ़ी मज़ा आ जाना था। वो भाई साहब कुत्ते ले गए हुए, माशाल्लाह कुत्ते भी उनकी तरह, सॉरी कुत्ते भी काफ़ी नस्ली लग रहे हैं, तो वो भी नस्ली होंगे। खैर, तो जी काफ़ी सारा घूमने फिरने के बाद हम लोग अभी फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम वापस जा रहे हैं, तो आपको कुछ थोड़े थोड़े से ना शॉर्ट्स दिखाते हैं दरिया जहलम के, शायद आपको भी लव हो जाए दरिया जहलम से। मिक्स जूस पियेंगे, उसके बाद हम मूव ऑन हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ज़रूर कमेंट कर दिया करें यार, कुछ नहीं, मेरा ख्याल है एक भी पैसा नहीं लगेगा आपका कमेंट करने में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए, अल्लाह हाफिज़।